मैं हूं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा प्रभाग समिति के हद में पानी पुरवठा विभाग में काम करने वाले एक अधिकारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ने पकड़ लिया। इस अधिकारी का नाम संजय ज्ञानदेव वागुले 44 वर्ष है, जो मुमरा पानी विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर थे, मगर आज एंटी करप्शन ने 80,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। दरअसल लेबर कॉन्ट्रैक्टर नंद फुटाने ने थाने एंटी करप्शन में 9/3/2020 शिकायत की थी। टेंडर के बिल को पास करने के लिए संजय ज्ञानदेव वागुले ने 1,25,000 रुपये की डिमांड की थी, जिसके बाद आज दोपहर में 80,000 रुपये लेते हुए पकड़ लिया। इसी तरह थाने में जात वैधता प्रमाण पत्र देने के आवेज में 10,000 की रिश्वत लेते हुए दो लोगों को एंटी करप्शन ने पकड़ा, जिनका नाम स्नेहल अभय कुमार गोवेकर 45 वर्ष, जो वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, वही दूसरे कर्मचारी का नाम अमित प्रदीप मोरे है। आपको बता दें, इसी तरह मुमरा कर वसूली विभाग में एक प्राइवेट कर्मचारी भी कुछ दिन पहले ही रिश्वत लेते हुए पकड़े गए और आज फिर 80,000 की रिश्वत लेते संजय ज्ञानदेव वागुले को एंटी करप्शन ने रंगे हाथ पकड़ लिया। प्रहार टाइम्स की हर आने वाली खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबरें आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।